स्टार्ट। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है, किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है। कई संस्थानों में अभी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं। उनके सामान्य प्रकार के फॉर्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिसिलों पर टिप्पणियाँ भी हिंदी में कम ही देखने को मिलती हैं। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और नियमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती है। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वहाँ नहीं हो रहा है, और उनमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले से ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा है। जब जब हिंदी के प्रयोग की
बात की जाती है। स्टॉप।